एवरीवन, नमस्ते। आप जो हमारे साथ आज जुड़े हैं दुनिया के कई अलग कोनों से, हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम इस पूरे क्वार्टर डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका शीर्षक है शिक्षा। तो आप इनमें से एक भी एपिसोड ना मिस करें, आप हमारे साथ बने रहिए इस जर्नी में जो बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन 13 एपिसोड्स। सबका होप चैनल हिंदी सबक स्कूल में स्वागत है। आइए हमारे साथ जुड़िए और आज की चर्चा में जाइए। आज के हमारी चर्चा का विषय रहेगा व्यवस्था किस तरीके से हमारा शिक्षक है, या व्यवस्था हमारा शिक्षक है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे दर्शकगण बहुत लाभ आज की चर्चा से उठा सकें। तो मैं अपनी क्लास से पूछना मांगूंगा कि व्यवस्था का क्या उद्देश्य है। व्यवस्था, चलिए पहले तो उसको डिफाइन करें, उसकी परिभाषा बोलें, और परिभाषा के अंदर मैं सोचता हूं व्यवस्था का उद्देश्य भी आ जाएगा। तो क्या हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? तो व्यवस्था हमारे लिए गाइडलाइन की तरह है जो हमें बताती है कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, और अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम शायद हमारे लिए वो हार्म होगा। जैसे एक कंट्री में जो गाइडलाइंस होती हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हमें जेल हो सकती है। हम अगर उनकी लॉ एंड ऑर्डर की तरह नहीं चलेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है और कई चीज़ें हो सकती है। तो लॉ एंड ऑर्डर हमारी लाइफ को एक गाइडलाइन देती है जिसके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो मेरा दूसरा सवाल है, क्या मनुष्य बगैर व्यवस्था के जीवित रह सकता है? नहीं। मनुष्य के लिए व्यवस्था बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए व्यवस्था नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? चोरी? नहीं, जरूरी नहीं आप चोरी करें व्यवस्था नहीं है तो। कोई व्यवस्था नहीं है, आप मान लीजिए बगैर एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहां कोई व्यवस्था नहीं है, तब क्या होगा? केओस हो जाएगा। वेरी गुड, बड़ा, हर चीज विल बी मेस्ड अप। कोई देश हो, कोई कंट्री हो, कोई कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह व्यवस्था की जरूरत है। बगैर व्यवस्था का, के बगैर मनुष्य का जीवन चल नहीं सकता। यहाँ तक कि हमारे घरों में व्यवस्था होती है, हमारी खुद की जिंदगी में व्यवस्था होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बगैर व्यवस्था के जीवित रह सकते हैं या चल सकते हैं, बिकॉज वी ऑल आर रैशनल बीइंग्स। हम सब तर्क लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, तो ये तमाम चीज है। तो हमने ये देखा कि व्यवस्था जरूरी है, और व्यवस्था हमारे जीवन को क्या करती है, आसान बनाती है, क्योंकि वो हमारे लिए एक डिसिप्लिन डिजाइन करती है, हमारे लिए जिंदगी को कैसे चलाना है उसको डिजाइन करती है। तो व्यवस्था बहुत जरूरी है, बगैर व्यवस्था के हम लोग नहीं रह सकते। मैं चाहूंगा आप पढ़ें गलतियों 3:21। गलतियों 3:21। गलतियों 3:21। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती है तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। क्या परमेश्वर की व्यवस्था उसके प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? क्या ऐसा है? क्या सोचते हो आप? क्यों नहीं सोचते? अगर मैं व्यवस्था को मानता हूं तो फिर वहां परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो मेरे किस काम की? वो हमें हेल्प करती हैं व्यवस्थाएं कि हम उनकी प्रतिज्ञाओं को। अब यहीं पर देखें, ये हमको सोचना है
ध्यान में रखना है वो ये है कि व्यवस्था का पर्पस, उसका काम बिल्कुल अलग है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन व्यवस्था का काम अलग है। जिस तरीके से आप एक आईने में एक मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं और मिरर कहता है आपके बाल खराब हो रहे हैं और या आपके चेहरे पे कोई दाग है या आपकी कमीज सही नहीं है, कपड़े सही नहीं है, वो मिरर बता रहा है। पर मिरर क्या हाथ बढ़ा के आपके कपड़े सही कर देगा, आपके चेहरे के दाग को पोंछ देगा? नहीं, नहीं कर सकता। मिरर का सिर्फ इतना सा काम है कि आपको बता दे कि आप में कहां खराबी है। व्यवस्था बिल्कुल उसी तरीके से, जब हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो व्यवस्था दस हुक्म बिल्कुल मिरर की तरह हैं, जो हमारी आत्मिक जिंदगी के बारे में बताते हैं कि आप में कहां पर खोट है। क्या व्यवस्था नकारात्मक है? क्या व्यवस्था की लॉ की नेगेटिव अप्रोच है? क्या कहते हैं आप लोग? सर मैं सोचती हूँ कि उसके जो अप्रोच है वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर हम एग्जांपल लें कि मैं हेलमेट पहन के बाहर निकलती हूँ, इसका ये है कि मुझे पहली बात तो चालान नहीं भरना पड़ेगा। इसका पॉजिटिव अगर हम देखेंगे तो ये कि ये मेरे सर को बचाएगा, अगर कोई आगे जाके एक्सीडेंट होता है तो मेरे सर को इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना मैं बिना उसके हो सकती है हेलमेट। मतलब अब आप जो कहना मांग रहे हैं वो ये कि व्यवस्था इन अ वे प्रोमिस यू समथिंग। व्यवस्था आपको एक वचन दे रही है, एक प्रॉमिस कर रही है आपके साथ। वो क्या है, वो प्रॉमिस क्या है? आपका बचाव, योर प्रोटेक्शन। सीधी सी बात है, मैंने हेलमेट नहीं पहना है और मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे को लगेगी। लेकिन मैं हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चला रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे को चोट नहीं आएगी, सर में चोट नहीं आएगी। ये इट इज इनडायरेक्ट प्रॉमिस टू मी दैट आई विल बी सेफ, माय हेड विल बी सेफ। तो हम हमेशा व्यवस्था को, दस हुक्मों को नकारात्मक तौर से नहीं ले सकते, वो सब सकारात्मक है। इनफैक्ट हर प्रॉमिस, हर व्यवस्था का, हर व्यवस्था का पहली, दूसरी, तीसरी, दसवीं, सारी व्यवस्था जो है वो प्रोमिसेस हैं खुदा के। दे प्रोवाइड अस सम प्रोटेक्शन वन और दी अदर। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है कि गॉड का लॉ हमें लाइफ नहीं दे सकता, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जीसस हमें इटर्नल लाइफ देते हैं, तो ये रिलेट कैसे होता है? गुंजन तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसको जवाब देने से पहले हम एक ब्रेक लेंगे। दर्शकों मैं आपसे विनती करता हूँ, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस ब्रेक के बाद वापस लौटिएगा, हम गुंजन के सवाल का जवाब देंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए हम अपनी चर्चा जो यहाँ पे चल रही है व्यवस्था के बारे में उसको जारी रखें। तुमने बहुत अच्छा कहा कि जिंदगी प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है, व्यवस्था या हुकुम हमें जिंदगी दे नहीं सकते, तो इसको आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ये कैसे कोरिलेट होगा? व्यवस्था हमें जिंदगी नहीं देती, व्यवस्था हमें रास्तबाजी या धार्मिकता भी नहीं देता, व्यवस्था तो सिर्फ हमारी कमजोरी को बताता है बस, और उसका काम खत्म हुआ। हमें अगर जिंदगी मिलती है, अगर हमें रास्तबाजी मिलती है, धार्मिकता मिलती है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। रोमियो 10 बाब उसकी चौथी आयत पढ़ेंगे हम। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिक,
धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंत है। अब व्यवस्था यहां पर हमें लेके जा रहा है मसीह तक, चूंकि व्यवस्था हमें जीवन नहीं दे सकता, व्यवस्था हमारे को रास्तबाजी नहीं दे सकता, हमारे को धार्मिकता नहीं दे सकता, तो व्यवस्था हमें उसके पास लेके जा रहा है जहां पर हमें धार्मिकता भी मिलती है और अनंत जीवन भी मिलता है। तो व्यवस्था मसीह व्यवस्था का अंत है का ये मतलब नहीं कि मसीह ने व्यवस्था को खत्म कर दिया या मान के पूरा कर लिया। अरे भाई, अगर व्यवस्था को खत्म कर दिया तो मैं कल से खून करने लग जाऊं, कल से चोरी करने लग जाऊं, अपने मां बाप की इज्जत नहीं करूं, क्या व्यवस्था खत्म हो गई? नहीं, व्यवस्था तो वही की वही बनी हुई है। तो ये कहना व्यवस्था का अंत मसीह ने कर दिया, ये बहुत गलत होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि व्यवस्था हमें मसीह के पास लेके जाती है ताकि हम अपने गुनाहों का, अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें, उनके उसका जो निवारण है वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कर सके। ठीक है, हम आगे चलेंगे। मैं चाहूंगा आप पढ़ें ड्यूटरोनॉमी, उसका व्यवस्था विवरण 31:9-13। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेविया याजकों को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इसराइल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। हाँ। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी, 7-7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष में झोपड़ी वाले पर्व पर, जब सब इसराइली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वो चुन लेगा आकर इकट्ठा हो, तब ये व्यवस्था सब इसराइलियों को पढ़कर सुनाना। हाँ। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी सब लोगों को इकट्ठा करने की वे सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। देखिए, यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। एक तो बोला कि ये अपने तमाम लोगों को, उनके बच्चों को, सबको, यहाँ तक कि तुम्हारे फाटकों में कोई फॉरेनर मतलब अन्य जाति का अगर शख्स हो तो उसको भी लेके जाना और ये उन व्यवस्था उनके सामने पढ़ना, उनको बताना, उनको याद रहे, स्मरण रहे, इसकी शिक्षा उनको देना, इसकी शिक्षा देना ताकि उनके मन में परमेश्वर का भय रहे। तो ये कौन से भय की मूसा बात कर रहा है? जैसे कि हम देखते हैं ये जो भय यहाँ पर मूसा बात कर रहा है वो एक प्यार वाला भय, जैसे एक बेटा अपने बाप से भय रखता है बिल्कुल, वो वाला कि उन जो उन्होंने आज्ञा दी है उनको तोड़ेगा, तो इन ऑर्डर वो जो पिता है अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छी आज्ञा देता है। बिल्कुल सही है, मतलब भय एक तो प्रेम में होता है जी, और एक भय कॉन्सिक्वेंसेस का होता है। ठीक है ना, जैसे मैं आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख दूं कि ये काम कर वरना मैं मार दूंगा, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस से डरकर आप मेरे काम कर रहे हो, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक भय प्रेम में है, मैं आपको कोई काम बताऊं और आप मेरे लिए कर रहे हैं, तो जो मूसा बात कर रहा है वो उस प्रेम में जो भय उत्पन्न होता है उसकी बात कर रहा है। तो अगर आप उसे पढ़ेंगे फिर हम देखते हैं कि एकदम से प्रभु ने कभी नहीं चाहा, खुदावंद ने एकदम से नहीं चाहा कि हम उससे डरने भी लगे और एकदम से हम उसको जानने भी लगे। इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बड़ा सिस्टमेटिक और ग्रेजुअल प्रोसेस था जो प्रभु ने किया। आपने अभी पढ़ा हमारे सामने पूरे, उसमें प्रभु जो हैं वो बता रहे हैं। देखिए, तमाम इज़राइल को वो एक प्रक्रिया से लेकर गए और उस प्रक्रिया से वो प्रगति करते चले गए और उस प्रगति से वो उनका विकास भी होता चला गया। लेकिन बहुत सी दफ़े
चूंकि वह आसपास के लोगों को देखते थे आइडल वर्शिप में, मूर्ति पूजा में, तो वो छोड़ छोड़ के प्रभु को उनकी तरफ चले जाते थे। और मेन कारण था कि वो अपने बेटे बेटियों की शादी गैर विश्वासियों में करते थे और गैर विश्वासियों से उनके बेटे बेटी अपने बहू और अपने जवाई बना के लेकर आते थे। तो ये मेन कारण था उनका मिक्सिंग। तो हम देखेंगे, लेट अस रीड प्रकाशित वाक्य 12 बाब और उसकी 17वीं आए। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता और यीशु की शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। अजगर किससे नाराज है? उस संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। मैं चाहता हूं ये आज्ञा मानने पर गौर फरमाते जाए। उससे आगे वाली आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 14:12। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। पवित्र लोगों का धीरज काय में है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। ठीक है, आगे वाली आयत में देखिए, रोमियो 1:5 उसकी 5वीं आयत। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। विश्वास करके उसकी माने मतलब उसकी आज्ञाओं को माने। हर जगह हम आज्ञा देखते हैं जहां परमेश्वर कह रहा है सब उसकी आज्ञाओं को माने। आखिर में हम देखेंगे याकूब 2:5 उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन वाले वालों और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की स्वव्यवस्था के अनुसार होगा। देखिए, अब यहाँ पर याकूब बड़े प्लेनली बता रहा है कि स्वतंत्रता अगर हमें मिलती है तो व्यवस्था के मानने से मिलती है। हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद, और उसके बाद हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। दर्शकों, आपसे मैं गुजारिश करूंगा हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। दर्शकों, हम अपने आखिरी सेगमेंट में जा रहे हैं और अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे और देखेंगे व्यवस्था किस तरीके से प्रभु चाहता है कि हम रखें और व्यवस्था की क्या अहमियत आज भी इस ज़माने में हमारे लिए बनी हुई है। तो आइए, मैं चाहूँगा अपनी क्लास से, तो हमने देखा कि इन सारी आयतों के अंदर एक चीज जरूरी थी, वो क्या चीज थी निर्मल? आज्ञा। आज्ञा का मानना वो जरूरी थी। हर जगह हमने देखा कि आज्ञा, प्रभु ने कहीं नहीं कहा कि आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा के अंत हैं, मतलब आज्ञा हमें ले जाकर, व्यवस्था हमें ले जाकर वहां छोड़ती है प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस व्यवस्था को पूरा किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब हम व्यवस्था को मानना बंद कर दें। याकूब में हमने पढ़ा, बड़े याकूब कहता अगर तूने एक भी आज्ञा को तोड़ा है तो तूने सारी आज्ञाओं को तोड़ दिया। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है, जब हम व्यवस्था को मानने से नहीं बचाए जाते तो क्या व्यवस्था का मानना जरूरी है? हम ऑलरेडी इस चीज को डील कर चुके हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। क्या इसको मानना जरूरी है? जरूरी है सर। जरूरी है। तो आज्ञाकारिता हमको कैसे स्वतंत्र करती है, इस चीज पर
हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या आज्ञा मानना या आज्ञा का पालन करना हमको स्वतंत्र करता है, और करता है तो कैसे करता है? आज्ञा का पालन हमें कैसे स्वतंत्र करता है? जैसे हमने देखा था कि आज्ञा हमको प्रोटेक्शन देता है। हाँ, तो आज्ञा को पालन करने से हम फ्रीली लाइफ जी सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब इसका इलस्ट्रेशन मैं दूंगा। हमारे देश के अंदर उल्टे हाथ को सब ड्राइव करते हैं। जब तक मैं उल्टे हाथ को ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं, तब तक मैं फ्री हूं। मुझे पुलिस का डर नहीं, मुझे चालान का डर नहीं, मुझे किसी लॉ का डर नहीं, किसी चीज का डर नहीं, मैं स्वतंत्र हूं। जैसे ही मैं गलत ड्राइव करना शुरू करता हूं, मैं राइट साइड पे जाता हूं, तो लॉ कहां आ जाता है? एक्शन में आ जाता है। और जैसे ही लॉ एक्शन में आ जाता है, तो पुलिस वाला हाथ दे के रोक लेगा, सीटी बजा के वो मेरा चालान काटेगा, मुझसे कहेगा थाने चलो, जो कुछ भी है। तो व्यवस्था की या आज्ञा का पालन करना हमेशा हमको क्या करता है? स्वतंत्र करता है। और इसीलिए हम आज्ञा का पालन करते हैं। मैं अपने सारे टैक्सेस समय समय पे देता जाऊं, अपना पूरा टैक्स देता जाऊं, मुझे किसी का डर नहीं। लेकिन अगर मैं टैक्स की चोरी कर रहा हूं, तो मुझे डर है कि किसी भी समय इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे और मुझे उठा के ले जाएंगे। तो जब तक मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं स्वतंत्र हूं। और स्वतंत्रता आज्ञा हमें या व्यवस्था हमें स्वतंत्रता दिलाती है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। आखिरी में मैं चाहूंगा कि हम देखें प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। इससे पहले अगर मेरे लिए कोई पढ़े, साहिल आप पढ़िए यशुआ पहला बाप और उसकी सातवीं आयत। इसमें इस प्रकार लिखा है, इतना हो कि तू यह बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, हाँ, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, हाँ, और उससे न तो दाहिने मुड़ना, हाँ, और न बाएं, हाँ, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल हो। जहां जहां तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। कब? जब तू व्यवस्था के ना दाएं जाए ना बाएं जाए। कि व्यवस्था के हम एक पार्ट हैं, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, लेकिन व्यवस्था ने हमें स्वतंत्र किया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस अधीनता से निकाल के बाहर खड़ा किया है। प्रभु आप सबको बरकत दे और इस मुद्दे को और समझने के लिए आपको ताकत दे और बुद्धि दे। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमारा तीसरे लेसन में हमने सीखा कि कैसे लॉ हमारा टीचर है, हमने बोथ ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट से हमारे एग्जांपल्स लिए और हमने देखा कि कैसे हमें यीशु मसीह की तरह हर लॉ का हमें ओबे करना चाहिए। हमने कई नई चीज़ें सीखी। हम ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।